लेट 1990s, रशिया का काउलिनीवी गांव एकदम बियाबान और शांत गांव था। इसी दौरान यहां कुछ ऐसा घटा कि इस गांव का नाम वर्ल्ड न्यूज में आ गया था। गांव में टमारा प्रोस्पेरिना नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। एक रात वो घर से बाहर जंगलों के बीच से गुजरते हुए वहां मौजूद कुएं की ओर जा रही थी। टमारा अक्सर वहां से पानी भरती थी, लेकिन ये रात सामान्य रात नहीं थी। अचानक टमारा को छोटे बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। टमारा ने आवाज का पीछा किया तो वो एक छोटी सी क्लियरिंग तक जा पहुंची, जहां उन्हें एक बच्चा मिला। टमारा ने तुरंत उसे ब्लैंकेट में लपेट लिया और अपने साथ घर ले आई। टमारा को कई मानसिक बीमारियां थीं और आसपास के लोग उन्हें पागल समझते थे। टमारा ने उस बच्चे को खुद पालने का फैसला किया था। उन्होंने बच्चे को एलियोशेंक का नाम दिया। टमारा ने अपनी बहू को फोन करके बताया कि उन्हें एक बच्चा मिला है। जब वो उसे देखने घर आई तो वो उसे देखकर दंग रह गईं, क्योंकि वो बच्चा इंसान नहीं था। ये इंसान का बच्चा नहीं था, बल्कि कोई स्ट्रेंज क्रीचर था। ये किसी न्यूबॉर्न की साइज का था, लेकिन इसकी स्किन का कलर डार्क ब्लू और ग्रीज था। इसकी आंखें नॉर्मल ह्यूमंस की तरह नहीं थी, बल्कि सुर्ख लाल थीं। क्योंकि टमारा मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रही थी, उन्होंने स्ट्रेंज क्रीचर को बच्चा समझ लिया था। टमारा ने इस क्रीचर का नाम एलियोशेंका अपने बेटे के नाम पर रखा था, जो चोरी के जुर्म में जेल की सजा काट रहा था। टमारा की बहू ने बताया कि वो स्ट्रेंज क्रीचर अजीब सी वॉइस निकाल रहा था। उसका मुंह भी लाल था, जिसमें से लंबी जीभ बाहर निकल रही थी, और इसका सर किसी प्याज के जैसा था। इतना ही नहीं, उस क्रीचर की आंखें अंधेरे में ग्लो कर रही थीं, जैसे उनके अंदर से लाल रोशनी निकल रही हो। उसकी उंगलियां सामान्य आकार से कहीं ज्यादा लंबी थीं। लेकिन टमारा की बहू ने अथॉरिटीज को कॉन्टैक्ट नहीं किया। उनका सोचना था कि टमारा की दिमागी हालत खराब है, और इस क्रीचर के आने के बाद वो काफी खुश थीं, तो वो नहीं चाहती थी कि अथॉरिटीज उसे अपने साथ ले जाए और टमारा को तकलीफ हो। Алёшенька хорошенький. Может, я не замечала, что он там зубами скрипел. अगले कुछ दिनों तक टमारा ने उस क्रीचर को दूध और कैरमल कैंडीज खिलाई। इसी दौरान पड़ोसियों ने खिड़की से टमारा को देखना शुरू किया, क्योंकि वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे किसी बच्चे की देखभाल कर रही हूँ। नेबर्स ने टमारा को सड़कों पर चलते भी देखा था, जब वो उस क्रीचर को कंबल में लपेट कर घुमाने ले जाती थी और उससे बातें भी करती थी। लेकिन सब जानते थे उनका दिमागी संतुलन खराब है, तो उन्हें लगा वो किसी डॉल के साथ घूमती हैं। लेकिन कुछ नेबर्स ऐसे भी थे जिन्होंने उस जीवित जीव की झलक पाई थी। उनके अनुसार वो लगभग 8 इंच लंबा क्रीचर था, जिसका सर किसी प्याज के जैसा था। एक दिन अचानक टमारा पड़ोसियों के दरवाजे को जोर जोर से नॉक करने लगी। वो लोगों से उस क्रीचर के लिए दवाइयां मांग रही थी, क्योंकि उनका कहना था वो बीमार है। लोगों ने सोचा अब ये पूरी तरह पागल हो चुकी हैं, इसीलिए किसी ने अथॉरिटीज को खबर कर दी। तुरंत ही टमारा को जबरदस्ती एक साइकियाट्रिस्ट के क्लिनिक ले जाया गया, ताकि उनकी जांच हो सके। क्लिनिक में पता चला कि टमारा को कई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स एक साथ थे। टमारा बार बार उनसे कह रही थी कि घर पर उनका बच्चा अकेला है, और वो घर नहीं गई तो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्हें लगा वो पागलपन में ऐसा कह रही हैं। उन्हें बिना मर्जी के जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। और टमारा क्लिनिक में थी, और एलियोशेंका ने भूख की वजह से दम तोड़ दिया। टमारा के रिश्तेदारों को एलियोशेंका की बॉडी मिली, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। उन्होंने अथॉरिटीज से संपर्क किया, और लोकल ऑफिसर व्लादिमीर ब्लैंडिन ने उस बॉडी को कवर करके एक कॉम्पैक्ट फैसिलिटी में भेज दिया। उस बॉडी को रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया, ताकि बाद में उसे वैज्ञानिकों को दिया जा सके और इसका परीक्षण हो सके। इस जीव के परीक्षण के बाद कॉन्ट्रडिक्टरी रिपोर्ट सामने आई, जो और भी अजीब बात थी। लोकल पैथोलॉजिस्ट ने दावा किया कि ये मानव शरीर ही नहीं था, लेकिन जीनियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये इंसान का बच्चा था, जिसके शरीर में कई डिफॉर्मिटीज मौजूद थीं। अब तक ये स्टोरी दुनिया भर में फैल चुकी थी, और लोग इस केस के अपडेट सुनने के लिए बेकरार थे। इनफैक्ट जैपनीज मीडिया स्टोरी में खास तौर पर इंटरेस्टेड था। वो लोग इस क्रीचर को किसी तरह एग्जामिन करना चाहते थे, क्योंकि उनके अनुसार ये पॉसिबली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटी थी। एक जापानी टीवी क्रू रशिया इस केस को इन्वेस्टिगेट करने पहुंचा था। उन्होंने लोकल्स के इंटरव्यूज लिए और एलियोशेंका के बारे में जितनी हो सकती थी उतनी जानकारी जुटाई। वो टमारा से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें सुनकर काफी निराशा हुई कि 1999 में टमारा कार एक्सीडेंट में मारी गई थी।
वो साइकियाट्रिस्ट क्लिनिक से भाग गई थी और उसी रात उनकी मौत हो गई। लोकल्स ने उन्हें हाईवे पर एक्सीडेंट के कुछ मिनट्स पहले डांस करते हुए देखा था। अब जैपनीज क्यू एलियोशेंका की बॉडी की जांच करना चाहता था। उन्होंने एलियोशेंका की बॉडी के बदले मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने का वादा किया था और अथॉरिटीज इस ऑफर से काफी खुश भी थीं। लेकिन एलियोशेंका की बॉडी अचानक गायब हो गई। ऑफिसर बेंडलिन ने वो बॉडी बोरिस डोलोटोव को दी थी, जो एक जाने माने रशियन साइंटिस्ट थे। वो चाहते थे कि इस क्रीचर की जांच हो और पता लगे कि आखिर वो है क्या। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि बॉडी गायब हो चुकी है और ये हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया। बोरिस डोलोटोव ने एक अजीब किस्सा सुनाया जो उस क्रीचर की तरह स्ट्रेंज था। उनका दावा था कि वो बॉडी उस व्यक्ति से रास्ते में सीज कर ली गई जो उसे लेकर बोरिस के पास आने वाला था, और ये घटनाक्रम एक यूएफओ आने के बाद हुआ। बोरिस ने दावा किया कि वो एलियंस उसे अपने साथ वापस ले गए थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि बोरिस ये किस्सा जानबूझकर सुना रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया है। सच्चाई तो ये है कि सीक्रेट रशियन एजेंसीज ने वो बॉडी क्लासिफाई कर दी थी। कुछ विसल ब्लोअर्स का दावा था कि सीक्रेट एजेंसीज उस बॉडी की जांच करके ये जानने में लगी थी कि वो एलियन रेस बायोलॉजिकली हमसे कितनी एडवांस है। जो भी हो, लेकिन लगने लगा था कि एलियोशेंका इंसिडेंट से रिलेटेड सारे सबूत खत्म हो चुके हैं और अब उसकी जांच करने के लिए कोई भी आधार बाकी नहीं था। लेकिन तभी व्लादिमीर बेंडलिंग को याद आया कि उनके पास अभी भी एलियोशेंका का ब्लैंकेट था जिसकी मदद से उसका डीएनए रिट्रीव किया जा सकता था। रशियन जर्नलिस्ट एडम चर्नोब्रोव की मदद से बेंडलिन ने उस ब्लैंकेट को मॉस्को ट्रांसपोर्ट करवा दिया ताकि उस ब्लैंकेट से डीएनए सैंपल्स निकालकर उसकी जांच की जा सके। लगभग दो हफ्तों के बाद मॉस्को लेबोरेटरी ने अपनी फाइंडिंग्स पब्लिश की। उस ब्लैंकेट में दो डिस्टिंक्ट डीएनए प्रोफाइल्स मौजूद थीं। एक डीएनए खुद तमारा का था जो उसे अपने हाथों में कैरी करती थी, और दूसरा डीएनए काफी स्ट्रेंज था क्योंकि वो धरती पर पाए जाने वाली किसी भी बायोलॉजिकल एंटिटी से मेल नहीं खाता था। इस फाइंडिंग से अब लोगों के मन में सवाल उठने लगे थे कि क्या सचमुच एलियोशेंका का ओरिजिन एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल था। रशिया के उस छोटे से गांव में हलचल तेज हो चुकी थी। दुनिया भर से यूएफओ रिसर्चर्स वहां आने लगे और किसी भी गतिविधि पर नजर रखने लगे थे। लोग उसी स्पॉट पर जाते थे जहां एलियोशेंका टमारो को पहली बार मिली थी। कॉस्मोपॉस के स्पेस रिसर्च नाम के एक इन्वेस्टिगेशन ग्रुप ने सन 2002 में कई एक्सपीडिशंस किए। उन्होंने लोकल से काफी बातचीत की जिन्होंने उस जगह के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताई। वो लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स की जानकारी लेना चाहते थे, लेकिन लोकल्स ने उन्हें अपनी फोल्कलोर से एक किस्सा सुनाया जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया गया था। ये किस्सा एक ड्वार्फ रेस के बारे में था जो उस इलाके में मौजूद केवन सिस्टम में रह रही थी। उनका दावा था वो लोग काफी छोटे कद के होते थे और ठीक उसी जगह के नीचे उनका किंगडम था जहाँ एलियोशेंका पहली बार पाई गई थी। ये टीम 2015 में फिर उसी जगह वापस गई और एलियोशेंका की याद में उन्होंने एक स्टैचू इंस्टॉल करवाया। आज तक ये बात एक रहस्य ही है कि एलियोशेंका कोई एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल बीइंग थी या फिर ड्वार्फ का बच्चा। स्केप्टिक्स ने इस किस्से को अलग नजर से देखा। उनका कहना था एलियोशेंका एक ह्यूमन फीटस था जो रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से डिफॉर्म्ड हुआ था। इस इलाके के करीब एक रीजन था जहां न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स कई बार हो चुके थे। चेर्नोबिल इंसिडेंट के कुछ साल पहले 1957 में मायक केमिकल कंबाइन में एक वेस्ट स्टोरेज टैंक में मैल फंक्शन की वजह से प्रेशर राइज हुआ। इसकी वजह से बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिसने वातावरण में काफी रेडियो एक्टिव मटीरियल छोड़ दिया था, और सोवियत अथॉरिटीज ने चेर्नोबिल की तरह ही इसे भी एक सीक्रेट बना दिया। लेकिन इस रेडियो एक्टिव मटीरियल की वजह से लोगों को काफी तकलीफ हुई और फीटस डिफॉर्मिटीज भी एक कॉमन प्रॉब्लम थी। इंसिडेंट के तुरंत बाद वहां सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। ये रेडियो एक्टिव कॉम्पोनेंट 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैल गया था और एलियोशेंका का विलेज भी वहां से काफी करीब था। स्केप्टिक्स की माने तो टमारा को ही मेंटल प्रॉब्लम्स भी उसी रेडिएशन का नतीजा थी। अब एलियोशेंका इंसिडेंट रेडियो एक्टिव कॉम्पोनेंट से हुई डिफॉर्मिटीज का नतीजा भी हो सकता है, लेकिन मॉस्को लैब में मिली डीएनए रिपोर्ट को इग्नोर करना भी काफी मुश्किल है। और अगर ये इतना साधारण केस था तो अथॉरिटीज ने बॉडी को सीज ही क्यों किया था। ये सारे सवाल आज तक एक रहस्य ही हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।